हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गोल्डन वैली इंटरनेशनल स्कूल। जी हाँ, पहली बार हम इस चैनल पर आ रहे हैं आपको टीच करने के लिए। इससे पहले हमने जो हमारा अलग से चैनल है जिस पर हाई क्लास की वीडियोस हमने डाली हुई हैं जो 10 से आगे हैं प्लस 2 तक की, जिसमें 6th का भी सिलेबस है, लेकिन उनके लिए इतनी खास है नहीं क्योंकि काफ़ी टफ उसके अंदर चीज़ें दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर जो गोल्डन वैली स्कूल इंटरनेशनल की तरफ से हमें जो आग्रह मिला है उनके द्वारा, वो यहाँ पर हम पूरा करेंगे और उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे जो छोटे बच्चों के लिए भी होना, जिसको बेसिक चीज़ों का भी नहीं पता वो इन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जो बिल्कुल इंग्लिश की जहाँ से शुरुआत की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी चीज़ें कौन सी होंगी, तो बिल्कुल पहली चीज़ हमारे जो इंग्लिश में जब शुरुआत करते हैं तो एक चीज़ आती है जिसका नाम है सेंटेंस, यानी जिसको क्या कहते हैं, हम सेंटेंस कहते हैं, दस सेंटेंसेस। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक। उससे पहले आप हमें जानते ही होंगे, माय नेम इज अनिल कुमार, और एज ए इंग्लिश टीचर अगर हम बात करें आपके साथ, तो इंग्लिश सीखना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हिंदी से कहीं ना कहीं इंग्लिश ज़्यादा आसान है, क्योंकि एक्सेप्शन तो हैं और हर भाषा में है संस्कृत को छोड़ के, लेकिन फिर भी अगर हम इसको ब्रीफली सीखें, उसको शब्द बाय शब्द इसको सीखते जाएं, लेटर बाय लेटर, तो हम इसको ईजिली वी कैन लर्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन क्या माइंड में आता है हमारे, वो है कि सेंटेंस क्या होते हैं। देखिए, एक बात आप सोच के देखिए, जैसे मैं जाता हूँ, मान लीजिए यह एक वाक्य है, मैं जाता हूँ। इंग्लिश में अगर हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट आई गो, मैं जाता हूँ, ओके। तो इस सेंटेंस को अगर आप क्या ऐसे लिख देते, जाता मैं या जाता हूँ मैं, ठीक है, इसकी परिभाषा सीखने के लिए आपको इसके साथ लड़ना होगा। या इसको मैं कहूँ आई गो टू स्कूल, या मैं कहूँ सीधा आई गो, इसकी हिंदी हुई मैं जाता हूँ, और इसकी क्या होगी अगर आप ऐसा लिख देते गो आई, या कुछ और लिख देते स्कूल टू, ऐसे मान लो ऐसे लिख देते, तो क्या ऐसे बोल सकते हो आप कभी, क्या आप इसको बोल सकते हो? बिल्कुल आप ऐसे तो बोल सकते हो आई गो, और हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं जाता हूँ। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसी चीज़ें आप ऐसे नहीं बोल सकते, ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक वाक्य है। तो कहने का मतलब है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड, जो शब्दों का समूह होता है, और वो एक सार्थक क्रम में अगर हम एडजस्ट करें और जिससे हमें एक मीनिंगफुल वाक्य का पता चले, उसी वाक्य को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। यानी एक मीनिंगफुल अर्थ निकलना चाहिए, चाहे वो कोई भी लाइन हो, कोई भी पंक्ति हो, उसका एक अर्थ निकलना चाहिए जिसे हमें पता चल सके। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं, उसी को सेंटेंस कहते हैं। जिस तरह से अगर आप कहो कि वी कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस लेसन के माध्यम से, जो पहला लेसन हमारा चल रहा है इस चैनल पर। तो वी मतलब हम, यानी उल्टा शुरू कर दो, फिर सब्जेक्ट को बोलने के बाद आप क्या कर दोगे, उल्टा शुरू कर दोगे। हम इंग्लिश स्पीक मतलब बोलते, और कैन मतलब का क्या होता है, सकना ना, तो आप ऐसा कह सकते हो कि हम इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। और कुड होता तो हम बोल सकते थे, इसका मतलब ये होता है कि वी कैनोट स्पीक इंग्लिश राइट नाउ, अब नहीं बोल सकते, पहले बोल सकते थे, अगर कुड लगाते तो वो पास्ट की बातें हो जाती थी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं ब्रीफली तरीके से, कि सेंटेंस को हम किस किस तरह से नहीं लिख सकते, किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप बिल्कुल छोटे बच्चे हैं और आपको ये भी नहीं पता है, तो आप इस तरह से, देख हेल्पिंग वर्ब होती है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते जैसे इज है, टू है, ए है, स्कूल, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। क्या है इसका कोई मीनिंग नहीं है, ना कोई सब्जेक्ट है, ना कोई प्रेडिकेट है, कुछ है ही नहीं। अगर हम लिखना चाहें जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, क्या मतलब हुआ इसका, मैं स्कूल जा रहा हूँ, बिल्कुल जी हाँ। अब इसका तो एक मीनिंग निकलता है ना, आपने स्ट्रक्चर को सेट कर के रख रखा है, ठीक है। जैसे मैं स्कूल को जा रहा, आईएनजी को एक बार सीखने के लिए रहा उत्तर मान लीजिए, ठीक है ना, होता नहीं है, मान लीजिए आप एक बार, तो रहा, जा रहा, और
एम का हूं। अगर क्या आप ऐसा सही होता, अगर मैं ऐसे बोलता कि गोइंग आई टू एम स्कूल, क्या ये वाक्य सही है? नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक निश्चित पद क्रम में इसको नहीं लिखा गया, एक निश्चित क्रम में इसको नहीं डाला गया है। तो इसी तरह से हम मानते हैं कि वाक्य वही होता है, यानी सेंटेंस वही होगा जिसका एक निश्चित क्रम में अकॉर्डिंग टू जिस तरह से उसके सिटिंग प्लान होता है, जैसे हम एग्जाम में बैठते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कोई भी चीज़ हो उसको सही व्यवस्थित रूप से रखा जाए और उसका एक मीनिंगफुल अर्थ निकला जाए तो ही हम उसको सेंटेंस कहेंगे। तो इस तरह से हम इसको सेंटेंस कहते हैं। दूसरी चीज आप देखिए, अगर हम इसके और उदाहरण देखें तो जैसे मान लीजिए कई बार कह देते हैं बच्चे क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, ये क्या? पहली चीज तो एक मैं आपको बात बहुत अच्छी बताऊंगा यहां, क्या ये सेंटेंस सही है? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये सही है तो बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको, यू शुड नॉट थिंक लाइक दिस, इस तरह से आपको नहीं सोचना चाहिए। वाई, क्यों नहीं सोचना चाहिए? तो इसलिए नहीं सोचना चाहिए क्योंकि आपको क्लोज द डोर कहने की बजाय आपको कहना चाहिए शूट द डोर। क्या कहना चाहिए आपको? शूट द डोर, यानी खिड़की को बंद करो। ठीक है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस आता है, ये इंपेरेटिव में आता है, लेकिन कभी भी ऐसा भी नहीं होगा कि द शूट डोर, क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। एक ध्यान रखिए, इसका भी कोई पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड जरूर है लेकिन हमें मीनिंगफुल अर्थ ये भी नहीं देता है। तो ध्यान रखिए, इनकी आगे हम डिस्कस करेंगे पूरे ब्रीफली तरीके से। द शूट द डोर, ये क्या है? ये मीनिंगफुल अर्थ नहीं देता है। यहाँ पर द कहीं है, शूट कहीं है, डोर कहीं है, तो इस तरह से हमें इसको गलत मान लेते हैं। तो ध्यान रखिए, एक इसकी भी ये द होता है और दी होता है, इसकी द और दी दो प्रोनंसिएशन होती हैं, ध्यान रखना इस बात का। द कब होती है और दी कब होती है? जब कभी भी ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू किसी भी शब्द से पहले आया हुआ है, या किसी शब्द का पहला नाम अगर ए ई आई ओ यू है, यानी साउंड जो वाउल है वो है, और ये पहले द है, तो ये उच्चारण इसका क्या होगा? द कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए कॉन्सोनेंट शब्द आ गया, कॉन्सोनेंट शब्द अगर आपका आया हुआ है तो इसका उच्चारण होगा द, अगर ए ई आई ओ यू आया हुआ है तो इसका उच्चारण होगा दी। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कॉन्सोनेंट है, क्योंकि डी कॉन्सोनेंट में आता है, ए ई आई ओ यू में नहीं आता यहाँ पर, तो इसका मतलब हम इसको क्या स्पीक करेंगे? द स्पीक करेंगे। तो ये थे आज हमारे सेंटेंस, ये एक छोटी सी वीडियो है जिसकी शुरुआत कर रहे थे हम, लेकिन कल इस के ऊपर बात करेंगे किसके प्रकार कितने होते हैं और एक मेथड के जरिए हम इसको आगे लेकर चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी जानकर। और आपको जाते जाते एक और चीज़ बताना जा रहा हूँ, वो ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि मिस्टर राकेश कुमार इज माई टीचर ऑफ इंग्लिश, हमेशा ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि ही इज़ माई इंग्लिश टीचर, या मिस्टर राकेश कुमार इज़ माई इंग्लिश टीचर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, इंजॉय योर डे।